हे, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना के ऊपर, और सभी स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे थे उच्च शिक्षा में नौकरी पाने के लिए, उनके लिए राजस्थान सरकार ने RPSC के माध्यम से जो एडवर्टाइजमेंट है वो जारी कर दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर मोस्ट प्रोमिनियंट पोस्ट होती है, जिसका सपना उच्च शिक्षा प्राप्त हर स्टूडेंट देखता है कि इस पद को प्राप्त किया जाए। तो इसके जो आवेदन पत्र हैं वो मांग लिए गए हैं, और निश्चित तौर पर ये जो पोस्ट हैं आप क्लियर यहाँ पर देख पाओगे कि पद जो हैं स्थाई हैं। अमूमन जो विज्ञप्ति है उनमें ये लिखा होता है कि पद अस्थाई हैं जिनके स्थाई होने की संभावना है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर बिल्कुल सहायक आचार्य के नाम से पहली बार इस विज्ञप्ति को निकाला है। इससे पूर्व ये व्याख्या तक कॉलेज शिक्षा के नाम से आती थी। वैकेंसी को मैं बहुत डिटेल से नहीं बताऊँगा, क्योंकि आप लोगों को मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता है कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। वो आप लोग इसमें देख भी लोगे मेरे वीडियो में स्लाइड में, जैसे कि बॉटनी आप लोग देख पा रहे हो, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, बॉटनी में यहाँ पर 33 है, केमिस्ट्री में 40 है, मैथ में 34 है, फिजिक्स में 35 है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी अभी भी कॉमर्स में आई है, आप देख पा रहे हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डेफिनेटली बहुत बड़ा अमाउंट है, यहाँ पर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 127 पोस्ट हैं, और ये जो संख्या है काफ़ी रिमार्केबल है। तो कॉमर्स के बच्चों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है उच्च शिक्षा में नौकरी पाने का। मैं अपने बच्चों से बात करूं जो इकोनॉमिक्स के हैं, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का सहायक प्रोफेसर हूं और 2010 से मैं कार्यरत हूं, तो उसी के बेसिस पर मैं आपको रणनीति भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं विज्ञापन की पूरी जो शर्तें हैं वो आपको बता देता हूँ। जिस प्रकार से वैकेंसी आई है, उच्च शिक्षा में काफ़ी पद खाली हैं, और उन खाली पदों को देखते हुए आप यहाँ पर देख पाओगे कि यदि आपको और डिटेल में चाहिए तो आप RPSC की साइट से इसे डाउनलोड कर लें। टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं वो 918 हैं, और ये अच्छी संख्या मानी जाती है कॉलेज लेक्चर की भर्ती में, कम नहीं मानी जाती है। जो रिक्तियाँ हैं उनमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से अभी नहीं जाऊँगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि इन पदों के लिए जो शैक्षणिक योग्यताएँ हैं उनमें क्या किया है। यहाँ पर आप देखोगे गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद एटलीस्ट 55% मार्क्स और एंड इक्विलेंट ग्रेड इन द पॉइंट स्केल वेयर एवर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड एट द मास्टर डिग्री लेवल इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी और इक्विलेंट डिग्री फ्रॉम द एक्रीडिएट फॉर एन यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर आप जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देख पा रहे हैं कि आपकी 55% यहाँ पर PG में होना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा आपको नेट सेट या सेलेक्ट होना ज़रूरी है। PhD की डिग्री जो है वो 2009 के रूल्स रेगुलेशन के बाद यदि किसी ने प्राप्त की है तो वो भी मान्य होगी। यहाँ पर आप देख पाओगे कि अभ्यर्थी केवल नियमित पद्धति से PhD वाला है उसी को मान्य दिया जाएगा, कम से कम जो बाहरी दो परीक्षक हैं उनके द्वारा उसकी शोध का मूल्यांकन, तो ये सारी प्रक्रिया आजकल जारी रहती हैं, इसलिए ये कोई इशू नहीं है। यदि PhD किसी ने 2009 के बाद किया है तो वो इसमें एलिजिबल माना जाएगा। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, इसको मैं आपको समझा दूँ, और इसके ऊपर हम लोग लाइव क्लास लेंगे। यदि आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो आई विल बी डेफिनेटली क्लियर अबाउट द गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, और उसके अंतर्गत हम लोग समझ लेंगे कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है क्या। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मीन्स एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 55% मार्क्स इन 3 एग्जामिनेशन प्रिसीडिंग टू मास्टर डिग्री, यानी 10th, 12th और ग्रेजुएशन में आपके 55% होना बेहद ज़रूरी है। ध्यान रहे, यहाँ जो उल्लेख किया गया है इससे पहले की जो तीन क्लास है 10th, 12th और ग्रेजुएशन, उनमें 55% मिनिमम होना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, और कम से कम यहाँ पर 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होना ज़रूरी है, और एनी वन ऑफ द सेकेंडरी ऑब्लिक हायर स्कूल ऑब्लिक हायर सेकेंडरी ऑब्लिक सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट ग्रेड इन द पॉइंट जहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम लागू होता है वो 50% और 55% यानी 50% से कम किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ जो है उक्त शैक्षणिक अभिलेख में ST SC OBC निशंक जनों को 5% अंकों की छूट दे है, उक्त छूट केवल 55% जो औसत अंक है उसमें दे है, न कि मिनिमम में। ध्यान रहे, किसी एक क्लास में यदि आपके
5% कम है तो वो नहीं माने जाएंगे। मैं आपको बताऊं, जैसे माना कि आपके 10वीं में 45% है और आप वहाँ चाहो कि छूट मिल जाएगी तो वो आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ एवरेज के बेस पे आपको छूट मिल सकती है 5% की। इसको और डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप देखोगे कि 2002 से पहले आपकी जो सेट की एग्ज़ाम यदि किसी ने पास की है वो माना जाएगा। जून 2002 को या उसके पश्चात अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण जो सेट है वो नहीं माना जाएगा, जबकि 2002 तक किसी भी प्रदेश से जो सेट जिसने पास किया है वो उत्तीर्ण माना जाएगा। 2006 के बाद राजस्थान में सेट की एग्ज़ाम नहीं हुई है, उससे पहले का यदि कोई स्टूडेंट अभी भी है तो उसे उत्तीर्ण उसको एलिजिबल माना जाएगा। यहाँ पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उपयुक्त अर्हता से निम्न इस प्रकार से छूट होगी। दिनांक 1991 से पूर्व स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त अभ्यर्थियों को पीएचडी उपाधि धारण करने पर 5% की छूट दे दी जा सकती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपको। एसटीएससी के अभ्यर्थियों को यहाँ पर छूट दी गई है 5% की, ध्यान रहे 5% की छूट यहाँ पर है। लेकिन ये 5% की छूट एवरेज में मिलेगी, ये ऊपर उल्लेखित कर दिया गया है। शैक्षणिक अहिरता संबंधी प्रावधान जो आपको बता दिया गया है, ग्रेड पे इसका 6000 है और डेट की जो कैलकुलेशन है वो आपको 1 जुलाई को मान के चलना है। न्यूनतम जो एज है वो 21 है और मैक्सिमम इसमें 40 यानी 40 साल है। इसके बाद जो छूट है वो आपको मिल रही है। इसके जो बाकी चीज़ें हैं उनको मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बता रहा हूँ। 9 तारीख से लेकर के और 8 दिसंबर तक ये प्रक्रिया है आवेदन की, वो चलेगी और आरपीएससी पे आप इसको फिल कर दें। जो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट अपियरिंग में है, जो नेट की एग्ज़ाम इन फ्यूचर में देना चाहते हैं, फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हैं, उन सबको इसमें आवेदन करना है, क्योंकि ये जो परीक्षा होती है वो अपियरिंग वालों के लिए भी होती है। और जो क्वालिफिकेशन आपकी मांगनी जाती है वो कब तक मांगी जाती है वो थोड़ा सा मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। पहले आप देखोगे कि परीक्षा शुल्क तो जनरल और क्रीमी लेयर जो है ओबीसी का उसके लिए 350 है। इसके अलावा नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए जो है 250 रुपये है और एसटी एससी और अदर कैटेगरीज के लिए 150 है। तो ये शुल्क है वो निर्धारित किया गया है। मैं स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन की बात यहाँ पर कर देता हूँ और स्कीम के ऊपर हम लोग और डिस्कस करेंगे और मैं इस संबंध में कॉलेज लेक्चर के लिए एक रेगुलर श्रृंखला शुरू करने वाला हूँ जो जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान है उसके लिए। आप यहाँ पर देख पाओगे कि इसमें जीके सिर्फ राजस्थान की होती है। सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट यानी आपका जो सब्जेक्ट है कंसर्न सब्जेक्ट उसका जो पेपर है वो 75 मार्क्स का पहला पेपर होगा। 150 क्वेश्चन आते हैं 3 घंटे में, मैं आपको पुनः बता दूं। इसके अलावा अगला पेपर जो सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट, अगेन यहाँ पर 150 क्वेश्चन आते हैं 75 मार्क्स के, 3 घंटे का यह पेपर होता है। और 50 नंबर की पूरी राजस्थान की जीके आती है जिसके अंतर्गत आप देख पाओगे कि पूरे के पूरे जो 50 नंबर हैं वो आपको राजस्थान की जीके से कवर करने होते हैं और मैं आपको इस वाले पेपर की भी काफ़ी डिटेल देने का प्रयास करूँगा। इंटरव्यू यहाँ पर आप देख पाओगे जस्ट 24 मार्क्स का होता है। तो स्कीम के ऊपर आपको थोड़ा सा और पता लग जाएगा। मैं इस भर्ती प्रक्रिया के ऊपर लाइव आकर के आपको सारी सूचनाएं दूंगा, वीडियो अलग से बनाऊंगा। ये सिर्फ मैं मोटे तौर पर अभी यहाँ पर आपको बता देता हूँ। पहले से ही अभी उच्च न्यायालय में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के ऊपर कुछ केस चल रहे हैं तो उनके बाद स्थिति काफ़ी स्पष्ट हो पाएगी कि वो निर्णय किन के पक्ष में जाता है। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता देना चाहूँगा, यहाँ पर मुझे वो लाइन अभी दिख नहीं रही है लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो क्वालिफिकेशन मानी जाती है आरपीएससी के अंतर्गत वो लास्ट डे के दिन की मानी जाती है, यानी इंटरव्यू का जो पहला दिन होता है। ये देखिए आप शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र यानी उक्त पदों पर अपेक्षित जो शैक्षणिक अर्हता है वो अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ कोई भी व्यक्ति उसमें पात्र होता है, लेकिन साक्षात्कार से पूर्व जो है यानी पहला दिन साक्षात्कार का आपका जिस दिन होगा उस दिन आपके पास वो पर्टिकुलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो नेट की हो, चाहे पीजी की हो, चाहे एमए एमएससी एमकॉम की हो। तो इसका आप लोग विशेष ध्यान रखें। जितने भी फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर ये फॉर्म भरना चाहिए। मेरे सामने नेट क्वालिफाई आपका अगला एक चांस निश्चित तौर पर आपको नेट के लिए मिलेगा।
और मेरा ये मानना है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है इसमें अभी टाइम लगेगा, लगभग मार्च अप्रैल तक इनकी एग्ज़ाम शायद हो सकती है, मार्च अप्रैल या मई तक। तो तब तक आप लोग इसकी तैयारी करें, और शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और इसके संबंध में जो विस्तृत वीडियो है वो मैं बाद में बनाऊंगा और आपको इस क्वालिफिकेशन और दूसरी चीज़ों के बारे में बताने का प्रयास करूंगा, और इसके ऊपर जो रणनीति है उसको मैं आपके साथ साझा करूंगा आज वीडियो के माध्यम से रात को। तो शुभकामनाएं आपके लिए, वीडियो को देखें, साथियों के साथ शेयर करें, ऑल द बेस्ट, और फॉरम को ज़रूर अप्लाई करें, ये मैंने आपसे पहले ही कहा है। भले ही आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे आपने नेट पास किया है या नहीं किया है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।